हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म बॉक्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पहले से ही एक HTML और एक स्क्रिप्ट की फाइल तैयार करके यहाँ रखी है, मतलब जावास्क्रिप्ट की, जो मैंने एक्सटर्नली यहाँ पर कनेक्ट करके रखी है। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम जानेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म बॉक्स के बारे में, हम वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल दे लेता हूँ ए, और उसे कुछ वैल्यू में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस वेरिएबल को एज नेम दे देता हूँ, एज नेम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ 21 डाल देता हूँ। उसके नीचे मैं एक वेरिएबल नेम ले देता हूँ, और उसे मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने जॉन नाम दे दिया। ठीक है, और ठीक है, ये ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक अलर्ट बॉक्स लेना है, और अलर्ट में ये जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मुझे वहाँ पर दिखानी है उस अलर्ट में। मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट बॉक्स लूँगा, और अलर्ट बॉक्स के अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग पास करूँगा, जैसे कि हाय, आई एम, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वो जो ऊपर नेम और जो एज दिया है वो मैं पास कर दूंगा, जैसे कि आई एम, यहाँ पर स्पेस दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस, यहाँ पर मैं दूंगा एक वेरिएबल नेम। ठीक है, और मैं फिर से एक प्लस दूंगा। ये जो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, जो हम वेरिएबल्स देने के लिए यूज करते हैं। आई एम यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, उसके बाद मैंने एक कॉमा दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा माय एज इज, और मैं फिर से स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन यहाँ पर यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं मेरा एज है जो मैं पास कर दूंगा। ठीक है, जो देखिए, जैसे कि अब आप जानते हैं, यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा, और उसमें आ जाएगा हाय, आई एम जॉन, और माय एज इज 21। ठीक है, देख लेते हैं हमारा आउटपुट। देखिए, हाय, आई एम जॉन, माई एज इज 21। ठीक है, तो आपने आउटपुट देख लिया। तो अभी आपने जाना कि हम अलर्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिक्लेयर किया गया वैल्यू दिया था, और हम इसमें सिर्फ स्ट्रिंग या और भी कुछ पास कर सकते हैं जो कि हमें उस अलर्ट में दिखाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे कमेंट डाल देते हैं, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट बॉक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है, कुछ इनपुट अगर हमें लेना है यूजर से, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज होता है। जैसे कि मैं अब क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूंगा, और वेरिएबल को नाम दूंगा मैं प्रो वैल्यू, मतलब प्रॉम्प्ट बॉक्स से जो वैल्यू लूंगा मैं इस वेरिएबल में लूंगा, और उसे दे दूंगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट दे दूंगा, और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा जो कि हमें प्रॉम्प्ट बॉक्स पर दिखानी है। जैसे कि मैं अब क्या करूँगा, ये प्रॉम्प्ट वैल्यू जो लेनी है, मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, मैं ये लिखूँगा, और मैं ये क्या करूँगा, प्रो जो वैल्यू है उसमें नेम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स आ चुका है, और एंटर योर नेम यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने नाम डाला और ओके कर दिया, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट बॉक्स लूँगा, और अलर्ट बॉक्स में वो जो नेम था जो प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमने लिया है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले कुछ स्ट्रिंग लिखनी है, योर नेम इज, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की मदद से वो जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं मेरा नाम लिखूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा, तो अलर्ट आ जाएगा, योर नेम इज प्रतीक, जो भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ हैरी, तो और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर हैरी आ जाएगा। और अगर हमने ये प्रॉम्प्ट बॉक्स कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैंसिल करने से उस वेरिएबल में सिर्फ नल वैल्यू जो पहले से होती है वही रहेगी। ठीक है, These came back from a search. तो
अब हम इसके बाद हम ये हमने जान लिया प्रॉम्प्ट और अलर्ट बॉक्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसे कमेंट डालते हैं, ठीक है। और प्रॉम्प्ट और अलर्ट के बाद हम देखेंगे कंफर्म बॉक्स के बारे में। पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं जे, क्योंकि हमें सिर्फ अब कंफर्म बॉक्स ओपन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप कुछ वेबसाइट्स पे देखते हैं, डिलीट बटन प्रेस करने के बाद आपको एक कंफर्म बॉक्स ऊपर आ जाता है कि आपको मतलब आप श्योर है कि आपको ये डिलीट करना है या नहीं करना है। इसके लिए हम कंफर्म बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंफर्म बॉक्स कंफर्म से आता है, ठीक है, कंफर्म से आता है और इसमें कुछ मैसेज हमें पास करना है होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे आर यू श्योर टू डिलीट, और जैसे ही यहाँ पर यूजर ओके कर देगा तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगा या फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि हम अगर ओके करेंगे तो अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और हम कैंसिल करेंगे तो अगला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वेर कॉन में इसकी वैल्यू जो है वो ले लेते हैं और अलर्ट में वो वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अलर्ट में हम वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। जैसे कि हमने ओके प्रेस किया तो यहाँ पर बुलियन में वैल्यू आ जाता है ट्रू, और जैसे कि हम कैंसिल प्रेस करेंगे तो बुलियन में वैल्यू आ जाएगा फॉल्स। तो जैसे कि आपने देखा कंफर्म बॉक्स जो है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये अलर्ट है तो मैं निकाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे देता हूँ। कंडीशंस के बारे में भी हम अलग से जानेंगे, और यहाँ पर मैं कॉल पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अलर्ट दूंगा डिलीटेड डिलीटेड, ठीक है। जैसे मैं डिलीटेड, और मैं क्या करूँगा एल्स करूँगा यहाँ एल्स, और उसमें मैं अलर्ट दूंगा नॉट नॉट डिलीटेड। जैसे कि हम यस पर क्लिक करेंगे, मतलब ओके पर क्लिक करेंगे तो ट्रू आ जाएगा और अलर्ट डिलीटेड शो हो जाएगा, और जैसे हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो नॉट डिलीटेड आ जाएगा और नॉट डिलीटेड आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ है नॉट डिलीटेड आ जाएगा, और जो है वैल्यू हमारी कोडिंग के हिसाब से डिलीट नहीं होगी। हमने ओके प्रेस किया तो यहाँ पर डिलीटेड आ गया, और जैसे ही हम कैंसिल प्रेस करेंगे तो नॉट डिलीटेड आ जाएगा, ठीक है। ये अलर्ट बॉक्स है, और जो यहाँ आ रहा है वो एक कंफर्म बॉक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे हम अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और डिलीट बॉक्स मतलब कंफर्म बॉक्स हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड कर सकते हैं, और कैसे उससे वैल्यू हम फेच कर सकते हैं, मतलब यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कंफर्म बॉक्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, धन्यवाद।